सो गाइस, इस क्रिप्टो मार्केट में जहां पर हम लोग शिवाइनू और बेबी डॉज के आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, वहां पर कुछ ऐसे हिडन जेम कॉइन है जो काफी अच्छे रेप्यूटेटेड है और ऐसे ऐसे यूज केस क्रिएट कर रहे हैं जो आपको जान के बहुत ज्यादा हैरानी हो सकती है। पेटीएम की तरह जो म्यांमार में एप्लीकेशन चलता है उनके साथ डायरेक्टली एक पार्टनरशिप कर लिए जहां पर आप क्रिप्टो पेमेंट कर सकते हैं और ये जल्दी लॉन्च होने वाला है। और मल्टीचेन ये कॉइन है जहां पर ये बीएनबी चेन, इथेरियम और पॉलीगॉन के साथ काम कर रहा है और अब जो है एवलेंस में भी आ रहा है। इसका नाम है पेबोल्ड, जो कुछ दिन पहले बीएनबी पे के नाम से जाना जाता था, अब जो है बहुत ज्यादा निखर के आ गया। तो शुरुआत से एंड तक पूरा वीडियो जरूर देखना क्योंकि काफी सारी जानकारी है जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो क्योंकि ऐसी बेस्ट वीडियोज में देने की कोशिश करता रहता हूं। स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं आपका शिवम सिंह स्वागत करता हूं हमारे चैनल जहां पर आज हम लोग बात करने वाले पेबोल्ड कॉइन के बारे में। इस टोकन को आप शायद बीएनबी पे कॉइन नाम से जानते होंगे। ये कॉइन जब लॉन्च हुआ था तो बहुत जल्दी काफी ज्यादा प्रॉफिट दे दिया और ऑलमोस्ट 3-4 रुपए क्रॉस करता चला गया और अपने ऑल टाइम हाई को टच करता चला गया। उसके बाद इसकी तुरंत लिस्टिंग हो जाती है बिटमार्ट पे और फिर और चीजें आने लगती है, लेकिन अचानक से मार्केट क्रैश होता है और इस कॉइन की जो है हैकिंग हो जाती है बिटमार्ट पे, जहां पर ये कॉइन काफी ज्यादा लॉस में जाता है और इसकी जो ट्रेड है वो स्टॉप कर दी जाती है, जहां पर आप इस कॉइन को सेल नहीं कर सकते। उसके बाद इसका रीडिनोमिनेशन कर दिया जाता है इमीडिएटली फॉर सेफ्टी पर्पज, उसका नाम आ जाता है पेबोल्ड। उसके बाद जो है ट्रस्ट इश्यू आने लगे लाइक टेरा लूना, लेकिन ये कॉइन ने इतना स्पीड में वर्क किया, तुरंत के तुरंत अपना जो है पेबोल्ड लॉन्च कर दिया, उसके साथ ही कॉइन मार्केट कैप में लिस्ट हो गया और ट्विटर हैंडल चेंज हो गए और उसके साथ ही एक अच्छा यूज केस लाने लगा। अब ये जो कॉइन लॉन्च हुआ है उसकी टोटल सप्लाई सिर्फ 10 बिलियन है, जो कि जहां पर हम लोग क्वाड्रिलियन ट्रिलियन में उम्मीद रखते हैं, जहां पर अब जो है ये बड़े बड़े काम कर रहा है। बड़े बड़े काम क्या कर रहा है मैं आपको इजीली समझाने की कोशिश करता हूं। पहला जो काम है कि ये जो कॉइन है श्रीलंका में अब यूज होने वाला है एज एन क्रिप्टो पेमेंट के रूप में, जहां पर गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कर रही है, पहली चीज जो कि कहीं ना कहीं इस कॉइन को हेल्प दे रही है यूज केस में। सेकेंडली, जैसे इंडिया में पेटीएम है वैसे ही म्यांमार में वन पे नाम का एप्लीकेशन चलता है जिसका ऑलमोस्ट 6 लाख से ज्यादा इस समय यूज केस है। आपको पता है इंडिया में सबसे ज्यादा यूपीआई ट्रांजेक्शन होते हैं, वैसे ही अभी धीरे धीरे बाकी कंट्रीज नेबर कंट्रीज में ये चीज स्प्रेड हो रही है और वहां पर इस कॉइन का पार्टनरशिप हो गया है वन पे एप्लीकेशन के साथ। अब जो है वहां पर क्रिप्टो पेमेंट की जा सकती है, जैसे पेटीएम से हम लोग ट्रैवल की टिकट्स कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, मूवी टिकट्स कर सकते हैं, एज इट इज अब पेबोल्ड से वहां पर भी स्कैन एंड पे वाला ऑप्शन चालू हो जाएगा। बाकी कॉइन से भी क्रिप्टो पेमेंट की जा सकती है जहां पर ये जो वन पे एप्लीकेशन है वो पेबोल्ड इकोसिस्टम का यूज करने वाले हैं, जो कि अपने में एक बड़ी बात है। ये कॉइन जो है मल्टी चेन कॉइन है, मतलब कि इथेरियम चेन पे भी चल रहा है, ERC20 पे, सेकंडली पॉलीगॉन पे भी चल रहा है और बीएनबी पे चेन पे भी लॉन्च है। अब इसका जो है आईडीओ इस समय लाइव है, जहां पर आप इस कॉइन को 20% ऑफ में शायद परचेस कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा इस कॉइन का यूज केस है वो है ई-कॉमर्स। मतलब ये कॉइन जो है एज एन पेमेंट के थ्रू यूज होना चाहता है, ई कॉमर्स सेक्शन में यूज होना चाहता है और ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ऑब्वियसली वही कॉइन इन बुलिश मार्केट, सिर्फ शिवाइनू और यही नहीं सभी कॉइन का यूज केस जहां पर लोग देखे बैठे हुए हैं, जहां पर लोगों का भी ट्रस्ट खोया है, वहां पर हम जैसे लोग छोटे छोटे कॉइन्स पे इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जो बड़े ट्रेडर होते हैं वो सबसे पहले यूज केस देखते हैं, जो फ्यूचर देखते हैं और कहीं ना कहीं उसी चीज पे पैसा लगाना सबसे बड़ी बात होती है। अब इस समय जो इस कॉइन का प्राइस चल रहा है जो कि 13 पैसे है और कहीं ना कहीं ये कॉइन जो है अनहाइलाइटेड है। मेरा काम है इस कॉइन से आपको इंट्रोड्यूस कराना क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने भी इस कॉइन को ठीक ठाक मात्रा में होल्ड कर रखा है। बेशक मैंने काफी ऊंचे में लिया था, मैंने इस कॉइन को तब लिया था जब ये बीएनबी पे था, बाद में मैंने इसको चेंज कर लिया रीडिनोमिनेशन के बाद और मैं अब इसको होल्ड कर रहा हूं एज एन पेबोल्ड के तौर पे। इसको आप स्टेकिंग भी लगा सकते हैं, स्टेकिंग का ऑप्शन ऑलरेडी लाइव है app.paybold.io पे, जहां पर इसका स्टेकिंग अमाउंट अप टू 20% मिल रहा है। मतलब इन फ्यूचर के लिए अगर आप इसे होल्ड करना चाहते हैं तो आप इसे स्टेक करके कमा भी सकते हैं, कॉइन बढ़ा सकते हैं। बाकी ये कॉइन जो है लॉन्ग टर्म बेसिस पे, क्योंकि जहां धीरे धीरे इसका यूज केस क्रिएट होगा, लिस्टिंग क्रिएट होगी, उसके बाद ही ये कॉइन पंप कर सकता है। मैं इसको खरीदने की बिल्कुल भी सलाह नहीं दे रहा हूं, लेकिन वो लोग जिन्होंने इस कॉइन को बीएनबी पे से होल्ड कर रखा है, बेशक उनको इस कॉइन के बारे में बिल्कुल भी अपडेट नहीं है कि अब क्या चल रहा है, क्या ये कॉइन अब आगे बढ़ेगा या नहीं, उन लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है। जिन लोगों ने अभी तक परचेस नहीं किया है उनको अपने रिसर्च शुरू कर देनी चाहिए, कहीं ना कहीं इसे ऐड कर लेना चाहिए अपनी लिस्ट में, ये जानने के लिए कि फ्यूचर क्या होने वाला है। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अगर आप चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपको लग रहा है ये वीडियो किसी भूले भटके की हेल्प कर सकता है तो उसके साथ शेयर जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्माइलिंग।